बेंटन की सीरीज में रैथ का जो करेक्टर हमें देखने को मिला था, उस करेक्टर को दिखाने के लिए बेंटन के जो फैंस हैं उन्होंने पूरा एक एपिसोड ले लिया था। इसके पीछे का रीजन ये था कि रैथ का जो करेक्टर मून नाइट की तरह मल्टी पर्सनैलिटी वाला दिखाना था, जहाँ पे गाइज रैथ जो है बैन की बात को नहीं मानता, लेकिन बाद में इस प्लान को चेंज कर दिया, जहाँ पे मल्टी पर्सनैलिटी दिखाने की बजाय रैथ के करेक्टर को थोड़ा एंगर इश्यू के तौर पर दिखाया गया और बैन को भी वो वाला गुस्सा काफी ज्यादा आता है, जिसकी वजह से जब बैन जो है रैथ की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने के बाद दोबारा से अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता है तो कुछ सेकंडों के लिए बैन भी जो है काफी गुस्से में रहता है।